दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट के डिसेबल को लेकर। हमारे लैपटॉप में बहुत सारी ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसा डेटाज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, या फिर और सारे टेक्स्ट वगैरह हो सकते हैं। तो अगर हम किसी को अपना लैपटॉप हैंडओवर कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा अगर हमें नहीं विश्वास है उस पर कि जो है इसमें चीज़ें वो ले सकता है या फिर कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर वायरस इसमें डाल सकता है या कुछ भी हो सकता है, अगर आप किसी को भी अपना लैपटॉप हैंडओवर कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप को कैसे हम सेफ़ रखें और कोई भी हमारे लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र ना कर पाए और ना डेटा उसमें डाल सके, इसके लिए एक ट्रिक है। और उस ट्रिक के थ्रू जो है हम थोड़ा सा अपने लैपटॉप को सेफ रख सकते हैं अगर हम अपने यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर दें। तो जितने भी पोर्ट हैं उसको हम डिसेबल कर दे रहे हैं तो हम डेटा को ना इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही अपने लैपटॉप से डेटा को दूसरे में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको स्टार्ट बार पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, आपको उस पर क्लिक करना है। तो सबसे नीचे ऑप्शन आएगा यूएसबी रूट हब यूएसबी 3.0। फिर आपको एक्शन पे जाना होगा और यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना होगा, डिसेबल डिवाइस करना होगा। तो यहाँ पे मैसेज आएगा तो आप इसे एस कर देंगे। फिर यहाँ पे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा कंप्यूटर को, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप इसे रीस्टार्ट करेंगे। फिर हम माउस को या फिर कोई भी यूएसबी केबल हो उसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सिस्टम में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जब हम माय कंप्यूटर पर जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। दोबारा से इसे इनेबल करने के लिए सेम ऑप्शन पर जाएंगे, एक्शन पर क्लिक करेंगे, इनेबल डिवाइस पर क्लिक करना होगा। तो आफ्टर रिस्टार्ट दोबारा से ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने इनेबल किया वैसे यहाँ पर मैसेज आ गया और यहाँ पर हमारे जो है फ़ोन जो है वो शो करने लगा सिस्टम में और माउस भी प्रॉपर वर्क करने लगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको विंडो और आर को एक साथ प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे रन का ऑप्शन आएगा या फिर आप सर्च बार में जाके रन को सर्च कर लें। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, तो ये रजिस्ट्री एडिट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एच की लोकल मशीन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना होगा और फिर आपको करंट कंट्रोलर पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से सर्विस पे, और सर्विस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको यूएसबी स्टोर पे क्लिक करना होगा। यूएसबी स्टोर में यहाँ पे आपको राइट में ऑप्शन दिखेगा, फाइल खोलेंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना, फिर मॉडिफाइड, और यहाँ पे वैल्यू डेटा है, यहाँ पे आपको 3 की जगह 4 डालना होगा। और आप यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं। कट करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद आप, या फिर रिस्टार्ट करने के बाद माउस या कुछ भी लगाते हैं डेटा केबल तो वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था कि कैसे हम अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट को डिसेबल करके अपने लैपटॉप को सेफ रख सकते हैं, अपने डेटा को बचा सकते हैं या फिर वायरस से इसे हम बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।